राहुल गांधी की कांग्रेस जिसकी 180 सीटों में से केवल 8 सीटें हाथ लगी, जिसके पास 5 राज्यों में एक भी एमपी नहीं है, जिसका ये बुरा हाल 2014 से लगातार बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा चेहरा एक असफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद विदेशी दौरे पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कभी बंद दरवाजे के पीछे तो कभी चुने हुए क्राउड के सामने। इस विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी की 3 बड़ी उपलब्धियां सबके सामने आ रही है। पहली उपलब्धि, राहुल गांधी की मानसिकता उजागर। चमचों के लगातार चढ़ाने के बाद राहुल गांधी ने सचमुच मान लिया है कि पीएम पद उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और अगर भारत के लोग उसे चुनाव में नकार रहे हैं तो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यानी कुल मिलाकर वो चुनाव हारने को लोकतंत्र से तोलने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपनी पार्टी की कोई भी देशहित विचारधारा जनता के सामने नहीं रख पाए, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने में नाकाम रहे हैं, और तो और पार्टी का बंटाधार कर दिया है 27 चुनाव हरवा कर। इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। उनकी दूसरी उपलब्धि है विदेशी ताकतों को निमंत्रण। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज और लंदन दोनों जगह कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, और अमेरिका यूरोप जो लोकतांत्रिक हैं वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, बिल्कुल अपने परदादा की तरह। सोचिए राहुल गांधी सत्ता के लिए किस हद तक गिरने को तैयार है कि उससे मदद मांग रहे हैं जिसने 200 सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखा। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर देश की जनता उनसे खुश होगी? विपक्षी एकता का बखान। राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि भारत का विपक्ष मिलकर इंक्लूसिव विजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि सारे दल अभी तक एक कॉमन एजेंडे पर भी नहीं आ पा रहे हैं, तो बात क्या खाक करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे यूनाइटेड ऑपोजिशन की बात करते हैं, उसके अगले ही दिन त्रिपुरा जाकर राहुल ममता बनर्जी को खड़ी खोटी सुनाते हैं। अगले दिन ममता कहती हैं कि वो उनके या किसी के साथ भी 2024 के चुनाव नहीं लड़ेंगी। अखिलेश यादव हो या तेजस्वी, कोई भी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर है। तो ये कैसी विपक्षी एकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके लिए चुप रहना ही फायदेमंद है, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं कांग्रेस की कब्र 1 फुट और खुल जाती है।